महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के मैदान पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित 5 दिवसीय ललित कला महोत्सव में शुक्रवार को एकांकी नाट्य प्रतियोगिता में 12 स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। एकांकी नाट्य प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों विषय पर नाटक प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार, प्रदीप नारायण सहित प्रतिभागी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह और सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, नहीं होती है बल्कि आज वो घर बहुत सुना सा होता है। बहुत देखे हैं आपके कानून हमने, आपके वहाँ शादी जाइए। अरे जाइए जाइए, आप क्या नहीं करेंगे, हम खुद ही नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ रिश्ते जोड़ने नहीं बल्कि अपने बेटे को बेचने आए हैं। लड़की को क्या कैसे बात कर रही है? माफ कीजिए आंटी जी, मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी, मैं बिके हुए लड़के से शादी नहीं कर सकती। देखा तूरी, आज तू फिर से घर के कार्य करी है। मैंने तुझे कल ही समझाया था कि यह वर्ष बाल वर्ष है, बच्चों से कोई कार्य कराना मना है। तुल, ये लो महान व्यक्तियों की जीवनी, पढ़ जितना हो सके, ऐसी किताब पढ़ना और इनके आदर्शों पर चलना। धन्यवाद नाना जी। तभी तुलतुल की नज़र एक भिखारी पर पड़ती है और तुलतुल उसे अपना कार्डिगन उतार कर दे देती है। पगली से फ्री लड़की। तुलतुल सोचती है नाना जी ने अभी अच्छे लोगों के पद पर चलने को कहा और मेरे कार्डिगन देने पर भी नाराज क्यों हो रहे हैं। सुबह आज तो टूनी का राखला स्कूल में करा रहा है। कमरे से निकलकर तुलतुल देखती है कि पिताजी घर पर नहीं है और उसकी माँ कामों में व्यस्त है। पिताजी पिताजी, यही तो खराब है। मेरी मिस ने समझाया था, बाल वर्ष है, बच्चों से कोई कार कराना बहुत बड़ा पाप है। तुम सभी पापी हो। क्या कर, तू बोल। पापी संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही। मेरे अंदर ये क्षमता नहीं कि मैं इस दुनिया को बदल सकूं। तू जब बड़ी होना तो इसे बदल डालना। तू और तेरे दोस्त मिलकर हम सब की तरह पाप मत करना। पर माँ, अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट पुलट जाऊँ तो, अगर बेवकूफ बन जाऊँ, अगर ये भूल जाओ कि सभी लोग समान हैं, तो देखा आपने ये समाज की कैसी विडंबना है। हम बच्चों को महान व्यक्तियों के मार्ग पर चलना तो सिखाते हैं, परंतु जब बच्चे उस मार्ग पर चलते हुए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, तो समाज की परिस्थितियाँ उनके मार्ग में बाधा बन जाती हैं। समाज व्यक्ति के अनुसार नहीं अपितु व्यक्ति समाज के अनुसार चलता है। धन्यवाद। उनके साथ रहना माता
जी को भी ठीक नहीं लगता। भैया आप निश्चिंत रहिए, उनकी बुरी आदत का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। मेरा संबंध केवल समाज सेवा तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्यों मोहन, सिगरेट पीते हुए कैसा लग रहा है? यार जितना सोचा था वैसा तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी तुम्हारी आदत नहीं है ना, इसलिए। अरे यार आदत ना ही पड़े तो ही अच्छा है। मैं तो सच ही बोल रहा हूँ कि चाचा की जेब से ऐसे निकालने पर मुझे बहुत अफसोस है और आगे से यह गलत काम मैं कभी नहीं करूँगा। चलो ठीक है छोड़ दो, लेकिन आगे तुमने क्या सोचा है? राघव भैया मैं आगे अपनी मातृभूमि को इस अंग्रेज के चंगुल से आजाद कराना चाहता हूँ और देश में फैली अशिक्षा, भूखमरी और गरीबी को जड़ से मिटा देना चाहता हूँ। भूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते हो? ऐसे अंग्रेज जो मांसाहार होने के कारण पूरी तरह से स्वस्थ और बलिष्ठ है। लेकिन भैया मैं तो मांसाहार नहीं कर सकता। तो तुम भूल जाओ भारत माता की आजादी की बात, क्या तुम्हें पता नहीं है स्वस्थ शरीर के लिए मांसाहार कितना आवश्यक है? अगर मांसाहार देश को आजाद कराने के लिए इतना ही आवश्यक है तो मैं मांसाहार करूँगा, किंतु ये मिलेगा कहाँ? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। भैया मैं आप लोग के साथ कि अगर ये बात मेरे वैष्णव परिवार जैसे को चलेगी तो माता पिता पर क्या गुजरेगी, और उनके सामने मैं तो ये सोच लिया हूँ कि मैं अपना सत्य स्वीकार जरूर कर लूंगा। क्या तुम जानते हो सत्य बोलने का परिणाम क्या होगा? हाँ मैं जानता हूँ, पिताजी मुझे दंडित करेंगे। हो सकता है वो स्वयं ही दंडित कर लें, लेकिन ये असत्य का बोझ मैं अपने दिल पर रखकर नहीं रह सकता हूँ। आप अपनी बात पिताजी से कह पाओगे? हाँ नहीं कह पाऊंगा तो मैं एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दूंगा और वो स्वयं ही पढ़ लेंगे, लेकिन ये मैं अपने दिल पर बोझ लेकर नहीं रह सकता। नहीं। क्या बात है बेटा मोहन, क्यों उदास हो? पिताजी मैं बहुत ही दुखी हूँ कि मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया है जो अचमय है, और मैं आपके द्वारा दी गई किसी भी दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बात तो बताओ अभी से कौन सी बात हो गई? पिताजी मैं अपने दंड को अपने मुंह से नहीं बोल सकता, इसीलिए इस पत्र पर लिख के लाया हूँ और आप स्वयं ही पढ़ लीजिए। तुमसे बहुत खुशी हूँ, तुम मेरे सत्य के आग्रह से मुझे प्रभावित कर दिए हो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। महाभारत का उदाहरण देके तुमने गीता की याद दिला दी, ना कोई किसी को मारता है ना मरता है, तुम तो परमात्मा के अंश हो, शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, तुम में तो अयोग्यता की कल्पना करना ही अनुचित है। शास्त्र कहता है कि अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत दुर्लभ है, कोई पुरुष दुर्लभ नहीं होता है, उसको सही जगह पर लाने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है। तुम जाओ, मैं प्रिंसिपल सर जी के पास तुम्हारी रिपोर्ट भेज दूंगा। कदम में कैटरीना नहीं थी, प्यार करने से नहीं होता, मूवी करने से होता है। ये देख मेरा आधा पाव का तूने मुझे मारा है, मैं ये केस कोर्ट तक लेके जाऊंगा। ये कोर्ट नहीं, असली वाला कोर्ट। गेट आउट। अभी तो क्या कर रहे हैं? लग रहा था जजवा सुरती खाता जमाना ही बिगड़ गया है बे। जायदा मर्दे जायदा। कुछ कहा था, कुछ कहा था। ओए, क्या कह रहे तुम? अरे कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है ऑर्डर ऑर्डर, मुझे इनको पेश किया। हम लोग आगे जाएंगे, तुम पीछे रहो। फैसल आगे सब लाओ जाना, मुझे नहीं भाजी हो ऐसे है। हां हां सुन, ओए तूने मुझे ऐसे बुलाया है? हां आउट।
कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, बात तो ऐसी है कि इन महाजन ने अपने इन्हीं जूतों से हमारे क्लाइंट की ऐसी हालत की है, देखिए इनके चेहरे पे सड़क के निशान बना दिए, बताइए ऐसे कोई मारता है? आप कैसे कह सकते हैं इनके सड़क पे इन्हीं निशान बनाए हैं? मेरे पास सिर्फ गवाह है। चेहरे पे अब साबित हो जाएगी। कुछ भी कह दोगे? हाँ ऐसे कह दोगे? अच्छा ठीक है, अब हम असली कहानी बताते क्या हुआ था उस दिन, बताओ। अजय जी आपसे कहना चाहेंगे एक बात, बचपन से हम चाहते थे कि सेलमैन बने, पर किस्मत बहुत खराब थी, हमारे बाबूजी चाहते थे कि हम वकील बने, तो हमें वकील बनना पड़ा, तो हम बात हर बात में हम डिस्काउंट लगा लेते हैं, तो बुरा ना मानिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं। अब हम बताते उस दिन हुआ क्या था। उस दिन हम रोड पे चल रहे थे, यहाँ 50% का डिस्काउंट, 70% का डिस्काउंट, 80% का डिस्काउंट दिख रहा था, जब भाई दुनिया भर के सनी देवल है। ओए निकले मेरे, ओए निकले, ओए निकले, मैं बाद में निकाली है, बाद में ऑर्डर भारत भर तो कहती है सनी देवल है, अब बीबी के सामने चूहा बन जाता है। ओए झूठ बोलता है साहब, झूठ बोल रहे हैं, खड़े रहे। अब बता रहे क्या हुआ उस दिन, बताइए। ये गया, इसकी बीबी बोली कि हम बड़े प्यार से कि हमारे लिए गजरा लेकर आइएगा, बाल में लगाना है हमको। भाई बड़ी बोका क्या किया, गजरा लेके चला गया। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, इसकी बीबी इसका हाई स्कूल कचरा कर दी, बहुत कचरा हुआ, बहुत कचरा। पर तब हम वहाँ पहुँचे, इसकी बीबी इसको दबा के लातम जूता मार रही थी। ये जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में विगत 14 वर्षों से ललित कला महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है, उसका मूल उद्देश्य है छात्रों छात्रियों छात्राओं को का सर्वांगीण विकास, ताकि वो जीवन के हर क्षेत्र में अग्रसर हों और उन्हें सफलता मिले। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि केवल किसी छात्र या छात्रा को किताबी कीड़ा बनाने से उसके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा, उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। यह संस्था अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास करने विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती है, कटिबद्ध है। हम समय समय पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं यहाँ कराते हैं जो कॉलेज स्तर पर होती हैं। ये जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें बहुत सारे विद्यालय के प्रतिभागी आमंत्रित होते हैं, कुछ वर्ग तो खुला होता है, जिसमें यूँ कहिए कि 3 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 80 वर्ष के वृद्ध तक के लिए भी यहाँ का मंच खुला रहता है। हमारा मूल उद्देश्य है जो हमारे बच्चे हैं या जो समाज है उसका जीवन के हर क्षेत्र में एक पैठ, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो और हमारा भारत और उन्नत भारत के रूप में परिणित हो सके। यह ललित कला उत्सव नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा पिछले 5 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम नगर के सभी विद्यालयों को बुलाते हैं और बच्चों के बीच में स्वस्थ वाद विवाद, निबंध, चित्रकला, रंगोली, नृत्य, एकांकी नाटक, गायन, क्विज इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस वर्ष हम लोग इसको महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के 50 वर्ष प्रारंभ होने के स्थापना के क्रम में मना रहे हैं। आज एकांकी नाटक की प्रस्तुति हो रही है जिसमें कि सभी विद्यालयों के कई बच्चे नगर के आए हुए हैं और शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि हम लोगों का ये प्रयास है किस तरह के आयोजन से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो।